एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों के, जैसे कि मैंने एक वीडियो में कहा था, हरे कृष्णा, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ घी के ऊपर कि आप घी का यूज करके अपनी पिगमेंटेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं। आप काफी लंबे समय से घी को यूज कर रहे हैं और आज भी आपके मन के अंदर कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों के मैं यहाँ पर उत्तर आपको दे दूँ ताकि घी से आपका चेहरा तो साफ हो ही, साथ में आप जान सकें कि और हम घी का यूज किस तरीके से कर सकते हैं अपने बाकी पार्ट्स पर जो कि काले हैं। आज मैं आपके सामने यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल्स शेयर करूंगा जो कि पेशेंट ने मुझे शेयर किए हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर लिए चलता हूँ और स्क्रीन पर हम यहाँ चल के देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे सामने स्क्रीन है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर घी कैसे खुलेगा शुद्ध घृत, क्योंकि जो अधिकतर कमेंट्स हैं वो मीशो पर है। मीशो पर मैंने क्यों बंद किया घी को देना, वो भी कमेंट में आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले हम सर्च करें कि हम गैस कैसे सर्च करेंगे, तो हम यहाँ पर सिंपल डालेंगे शुद्ध घृत, ठीक है। मैंने सर्च किया शुद्ध घृत डालकर, आप अपने गूगल पर सर्च कीजिए शुद्ध घृत डालकर, तो आपको पहला लिंक ये मिल जाएगा मीशो का। अब हम यहाँ पर कमेंट करते हैं, तो ये जो लिंक यहाँ पर खुल गया है, ये खुला है वो जो 50 ग्राम का जो घी था उसका। यहाँ पर 572 लोगों ने राइटिंग कर रखी है और 225 लोगों ने इसके रिव्यूज कर रखे हैं। मैं यहाँ पर कुछ ही रिव्यूज पढ़ूंगा, मैं सारे रिव्यूज नहीं पढ़ने वाला हूँ। तो यहाँ पर कहा गया कि बहुत अच्छा घी है, मैंने 5 बार ऑर्डर करवाया है, थैंक यू भैया जी। देखिए, अब 5 बार कोई ऑर्डर करेगा तो घी उनको अच्छा रिजल्ट ही दे रहा होगा, इसलिए उन्होंने 5 बार इसको ऑर्डर किया। वैसे मुझे लगता है ना कि अगर आप इसको 2 बार भी ऑर्डर करते तो अब तक आपका ये घी चल रहा होता, अवश्य ही आप इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं। दूसरा, कम है जिस हिसाब से पैसे हैं, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। ये वाला कमेंट मैंने पहले भी पढ़ लिया था, डिब्बे पर 160 लिखा है, मीशो वाले डिलीवरी चार्ज के नाम पर 183 ले रहे हैं। जी हाँ, पहला इशू तो ये था कि मीशो बहुत ज्यादा डिलीवरी चार्ज कर रहा था पेशेंट से, यानी कि इवन 90 रुपीज, 150 रुपीज इस तरह से वो चार्ज कर रहा था, जो कि मुझे नहीं लगता था। अब खुद सोचिए कि मैं 137 या 140 रुपीज का आपको घी दे रहा हूँ, ऊपर से मीशो ने इसमें लगा दिया चार्जेस लगभग 150 रुपए या 100 रुपए, उस तरीके से पेशेंट को घी जाके बहुत महंगा पड़ रहा था, ठीक है, इस वजह से। और दूसरी बात, अगर घी मेरे पास में लौट के आ रहा था तो खुद सोचिए 183 जाने के, 183 आने के, ठीक है, इतने के तो घी के 2 डिब्बे भी नहीं है जितने की मेरे को डिलीवरी चार्ज पड़ रहे थे। तो सिंपल चीज है, मीशो पर सेल करना अकलमंदी नहीं थी। आगे हम पढ़ते हैं, मुझे घी लगाने से डर लग रहा था क्योंकि पिंपल्स जल्दी हो जाते हैं मुझे, बट ये घी मेरी स्किन पर सूट हुआ, अभी 2 बार ही यूज किया है रात में, मॉर्निंग में स्किन हेल्दी लगती है। मैं सर को फैब मंथ से फॉलो कर रही हूँ, अब जाके फर्क महसूस हुआ है, थैंक यू, राम राम जी। तो ये कमेंट है सौरभ का, आई थिंक इन्होंने घी अपने घर का यूज किया होगा, घर के यूज करने से इनको पिंपल्स निकलते होंगे, क्योंकि मुझे ये फरवरी से फॉलो कर रहे हैं और कमेंट है इनका 16 अगस्त का, इन्होंने घी 2 बार यूज किया है, इनको 2 बार में ही स्किन हेल्दी लग रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आप जो घर का बना हुआ घी यूज कर रहे हैं और इस घी को यूज करने पर आपको क्या इफेक्ट मिलेगा। आगे हम पढ़ते हैं, फर्स्ट डॉक्टर प्रतीक सर को थैंक यू सो मच, आपके अवेलेबल किए हुए घी बहुत अच्छा है, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो रही घी लगाने से, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू, वेरी वेरी गुड ओरिजिनल घी, थैंक यू प्रतीक सर, ठीक है। आगे इसमें बहुत सारे अच्छे रिव्यूज हैं, केवल 4 या 5 रिव्यूज ऐसे हैं जिन्होंने केवल 1 स्टार कर रखा है, अदरवाइज तो मेरे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिव्यूज हैं जिन्होंने बहुत अच्छा उसको कहा है और कहा है कि उनको घी लगाने से बहुत अच्छे इफेक्ट मिले हैं। अच्छा, अब आगे मैं इस चीज को ये कहूंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने घी को अपने लिप्स पर भी लगाया, उन्होंने कहा कि जब से हमने इसको घी को लिप्स पर लगाना शुरू किया है उनके लिप्स नेचुरली पिंक होना शुरू हो गए हैं, उन्होंने अपनी काली गर्दन पर लगाया, उन्होंने अपने काली कोहनियों पर लगाया, उन्होंने काले अंडर आर्म्स पर लगाया, उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट पर यूज किया, तो वो जगह उनकी साफ होनी शुरू हो गई, और सबसे अच्छी बात क्या है, वो नेचुरली साफ होनी शुरू हो गई, और उससे भी अच्छी बात क्या है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये घी आप लोगों के घी से क्यों अच्छा है कंपेयर में, तो ये इसलिए अच्छा है क्योंकि जो सबसे अच्छी गाय कही जाती है ये उस गाय का घी है जिसको हम बोलते हैं गिर गाय। दूसरा, इसमें जो घी मिक्स किया गया है उसमें घी मिक्स किया गया है भेड़ का, अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो उस पर भेड़ का घी लगाया जाता है, भेड़ के घी से मालिश की जाती है क्योंकि वो डीपली उसको हाइड्रेट करती है, डीपली उसको
नरिश करती है। अब खुद सोचिए कि जब हम घी तो आपकी स्किन पर लगा रहे हैं तो फिर हड्डी तक उसका इफेक्ट कैसे पड़ रहा है? पड़ता है, इसीलिए भेड़ का घी किसी की हड्डी की इंजरी में यूज किया जाता है। अब ये जो घी है वो आपकी इस घी की डिब्बी में पड़ा हुआ है, बहुत थोड़ी सी मात्रा में। तो आपने देखा होगा कि जितने लोगों के पास में 100 ग्राम की डिब्बी गई है उनको लगता है कि घी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा थिक पार्ट सा है, वो है भेड़ का घी। अगर आप घी को फ्रिज में रख के और उसको केवल हल्का से यूज करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको अपडेट कर देना चाहता हूँ घी के बारे में। आपको पता है घी लगाने के 5 तरीके, आपको यह भी पता है कि जितने भी लोगों की स्किन सेंसिटिव है वो घी लगाने से काली हो जाएगी। आप लोगों को यह भी पता है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर इसमें स्किन काली पड़ जाती है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो। इसी तरीके से दिसंबर, जनवरी और फरवरी आपकी स्किन डल और ब्लैक पड़ेगी अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो। मार्च, अप्रैल, मई, जून और अक्टूबर, नवंबर, ऐसे 6 महीने हैं जिसमें आपकी स्किन बहुत अच्छे से क्लीन होती है। और वो जो मैंने 6 महीने आपको बताए हैं जिसमें आपकी स्किन डल होती है तो ऐसा नहीं है कि उसमें पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगा, उसमें भी आपका पिगमेंटेशन ठीक होगा, परंतु जितने भी लोगों की स्किन सेंसिटिव है उन लोगों की स्किन बाहर से उनको अंतर नहीं दिखाई देगा, अंदर से उनकी स्किन क्लियर होती रहेगी अगर वो पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं तब। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने एक वीडियो में कहा था कि बरसात के मौसम में जो दूध होता है उसमें कहीं ना कहीं विष की मात्रा आ जाती है, जिसकी वजह से बारिश के मौसम में, सावन के मौसम में दूध भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि अगर मुझे नेक्स्ट टाइम अपने क्लिनिक पर घी मंगाना होगा तो मैं श्योर ये करूंगा कि मुझे जुलाई, अगस्त और सितंबर के दूध से बना हुआ घी ना मिले। इट मींस अगर घी इस समय आउट ऑफ स्टॉक होगा तो सीधा आपको जाके दिसंबर में मिलेगा, क्योंकि मैं जो अब घी मंगाने वाला हूँ वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बने हुए दूध का मंगाने वाला हूँ। अभी घी मेरे पास में स्टॉक में है। अब आप ये मत करने लग जाना कि आप घी को दो दो तीन तीन डिब्बी खरीदना शुरू कर दें। घी 100 ग्राम है, अगर आप एक डिब्बी भी खरीदेंगे तो कम से कम वो 4 या 5 महीने आराम से चल जाएगा। सर्दियों का मौसम आने वाला है, सर्दियों से पहले पहले मैं आपको दूसरा स्टॉक अवेलेबल करा दूंगा। तो सर्दियों में आप घी को पूरे ही शरीर पर लगा के सो सकते हैं बहुत आराम से। और आपके पास में 3 महीने हैं, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, जिसमें आप खुद का, अपने बच्चों का कलर बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो शॉपिंग करते हुए इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो भी व्यक्ति घी खरीद रहा है एक बार में केवल एक घी खरीदे प्लीज, ताकि सब लोगों के पास में घी पहुंच जाए। और मैं प्रोमिस करता हूं कि सर्दियों से पहले आपको घी प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों के दूध का घी मैं अपने क्लिनिक पर उपलब्ध नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उस दूध से बना हुआ घी कहीं ना कहीं पॉइजनस होगा, हो सकता है कि वो आपकी स्किन पर इतने अच्छे से आराम ना करे। इसलिए मैं हर मौसम का ध्यान रखते हुए आप लोगों को चीजें उपलब्ध कराता हूं। अब जैसे इस घी की बात ही देख लीजिए, ऐसे ही मैं आपको एवरी सीजन के अकॉर्डिंग आपको डाइट बताता हूँ। अगर आपको घी यूज करना है, अगर आपके घर का बना हुआ है घी यूज करना है, अगर आपको लगता है कि डॉक्टर साहब का घी बहुत कॉस्टली है, हमें नहीं खरीदना है घी, कोई बात नहीं, आप सितंबर, अगस्त और जुलाई इन 3 महीनों का बना हुआ घी ना खरीदें। आप जो घी खरीदेंगे वो खरीदेंगे अक्टूबर के महीने का, यानी कि जब अक्टूबर में आपके घर दूध आएगा उस दूध का आप घी बनाएंगे वो अपने चेहरे पर लगाएंगे, या फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इन 6 महीने का बना हुआ घी आप अपने चेहरे पर लगाएंगे। इन 3 महीनों का ही घी अपने चेहरे पर नहीं यूज करना है, अदरवाइज तो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो मुझे पता है कि आप में से अधिकतर लोग मेरी वीडियोस को देखने के बाद ही इसको घी को शॉपिंग करना शुरू कर देंगे, अमेजोन से शॉपिंग करना शुरू कर देंगे। मैं फिर से आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि केवल एक बार में एक ही घी खरीदें, ताकि ये जल्दी से आउट ऑफ स्टॉक ना हो और जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उन सभी को ये घी मिल सके, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात मानेंगे और सभी के पास में घी हमारा पहुंच जाएगा और फीस पैक भी अब आ चुका है। चलिए मैं प्रार्थना करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।